नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल हांसी विधानसभा में हांसी शहर में मौजूद है। राहुल मक्कड़ कांग्रेस के प्रत्याशी है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे, नेताओं की गति जो है तेज हो रही है। स्टार प्रचारक लगातार हांसी आ रहे हैं। चर्चा कर लेंगे सारे विषय पे। राहुल भाई नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार अंकित भाई। कैंपेन कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिन प्रतिदिन कारवा बढ़ रहा है, साथियों का सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है। बात करूं मैं स्टार प्रचारकों की, लगातार जो हांसी आने शुरू हो गए हैं हर पार्टी से। योगी जी आ रहे हैं आपकी पार्टी से, सुनने में आया राजबब्बर जी आ रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी आने की बातें चल रही हैं। जी बिल्कुल, 1 तारीख को जो है हमें राजबब्बर जी का रोड शो हम करेंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और भूपेंद्र हुड्डा जी वो भी पहुँच रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर जो है एक विशाल जनसभा रखेंगे। बजरंग पुनिया जी आज उम्र आ रहे हैं। बजरंग पुनिया जी आ रहे हैं, और हो सकता है कल शाम को भूपेंद्र हुड्डा जी भी आ जाएं। इतने स्टार प्रचारक एक सीट पे आना, इसका अर्थ क्या है? इसके पीछे का पैरामीटर क्या है? इसका अर्थ है कि बहुत बड़ी जीत, एक शब्द में बहुत बड़ी जीत जो है, इसका अर्थ यही है कि जो आएंगे तो लोग उनको सुनेंगे, उनके विचारों से जो है लोग सुन करके हमें आगे और मजबूती से आगे बढ़ाने का जो है काम करेंगे, हमें हमारे लक्ष्य तक मजबूती से पहुंचाने का काम करेंगे। आपके सामने जो कैंडिडेट है वो छठा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कुछ चुनौती मान रहे हैं? दूसरा तो मेरा भी हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, चुनाव है, लोगों ने लड़वाना है, लोगों की भावना आज हमारे प्रति अच्छी सोच की तरफ लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आम जन जन जो है अपना चुनाव लड़के लड़ने का काम कर रही है, कि चुनाव राहुल का ना हो करके सभी का जो है अपना चुनाव समझ के लड़ रहे हैं। हर गांव हर गली जो है आप पहुँचे हो, कैसा रुझान है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीत का जो है मार्जिन कितना मान के चलेंगे? 8 तारीख को पता लगेगा कितना मार्जिन आता है। मैं क्या बता सकता हूँ, कोई टक्कर में नहीं है भाई जी। विपक्षी को हमारी टक्कर में कोई ना ना, ना कहाँ है विपक्ष, हम जीत रहे हैं यार, सबसे अच्छी जीत हमारी है। कितनी बड़ी मान के चल रही है? करीब 50 से 60 हजार की जीत होगी। लीड मान आपके साथ जो है युवाओं की अच्छी खासी फोर्स चल रही है, इस चुनाव में यूथ का कितना रोल मान रहे हैं? 100% यूथ का, यूथ युवा हूँ तो युवा क्यों नहीं साथ होंगे, हारने हारने प्यारा होया करा है, तो मेरे साथी जो है मेरे युवा भाई साथ निभा रहे हैं, बढ़िया तरीके से चुनाव को मजबूती से संभाले हुए हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के चलते हैं, और युवाओं का जो है जन समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, कुछ युवा साथी भी साथ में। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कुछ कहना चाहोगे 8 तारीख को हांसी का, क्या रुझान रहेगा? 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से, और राहुल भाई मेरे हिसाब से 90 की 90 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि हांसी में भ्रष्टाचार चरम पे है। 1100 करोड़ रुपए होते ना, हांसी पैरिस बन जाती इस बात का, और ये गाय है सड़कों पे, क्या विधायक जी को कभी नहीं दिखी? और ऐसे ऐसे एरिए विधायक जी को ये भी नहीं पता ये हांसी के एरिए हैं, वहाँ पे बाइक पे जाना पड़ रहा है, इतनी क्या मजबूरी? अगर काम कराए हुए होते तो बाइक पे जाने की जरूरत नहीं होती, एक अपील करनी होती कि वोट दो जी, मैंने काम कर रखे हैं, उसके भी आप पे वोट मांग लेते हैं। बिल्कुल, और एक अपने बहुत ही प्यारे व्यापारी नेता ने 2 दिन पहले एक भाषण दिया था, मीडिया में इंटरव्यू दिया था कि हुड्डा सरकार में इतना गुंडा राज था, बदमाशी थी, ये था वो था, थोड़े दिन पहले तायल साहब को लठ लगे थे, वो किसकी सरकार थी? कोई पूछेगा उनसे भाई तायल साहब को लठ लग गए थे, वह सरकार किसकी थी? और ये रविंदर सैनी जी का जो मर्डर हुआ था, इसमें सरकार किसकी थी? हुड्डा साहब ने मर्डर करवा दिए, मतलब 9-10 साल तक पूरी बदमाशी हुई है हरियाणा के अंदर, आखिरी में आके 2-3 एनकाउंटर करा दिए, गुंडो विरोधी हरियाणा मना दिया, हमने ये कर दिया, कुछ नहीं किया भैया। ये चुनावी जुमले हैं, सबको पता है, बयाना साहब को भी पता है, आप मुंह देखा उनका, मतलब कुछ खाते थे ना तो भी हंसते थे वो, और अब कोई चुटकला सुना दे तो भी नहीं हंस रहे। ऐसी यार कमाल होगी, एक आदमी इतने साल तक राजनीति में ऐस ले रखी है, उन्हें मेरा ही भारण लग रहा है, दिक्कत तो होगी, टेंशन कोई होगी। फिर यार सरपंच का इलेक्शन होना, उस आदमी यार दा उसकी नींद उड़ जावे। अरे विधायक साहब तो भी कहो मैं जीती लेके आश्वस्त भाई, कमाल होगी यार, सारी हंसी रूप के मान ला राजू भाई जीत रहा है, इब गरा तो कोई, मैं भी विधायक हूँ, गरा कोई भी, सारे भाई विधायक आपका गरा, बयाना साहब भी है, लेकिन पीछे पूरा विधायक लग जाओगा। अच्छा, हाँ पीछे पूरा लग जाएगा। भाई जी क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब मैं कहना चाहूंगा राहुल मक्कड़ को 100% विजय होंगे जी, और 30-35 हजार की लीड से विजय होंगे जी। बिल्कुल आंटी जी। हाँ जी भाई, एक राहुल जी है ना, राहुल एक ऐसा कैंडिडेट है
जो शालीनता शीतलता और ठंडापन कूट कूट के बरे छोर में इतने सारे शहर वाले प्यार कर रहे हैं। शहर में तो कम से कम 70% वोट जुड़ेगा और गांव वाला में इसकी लहर आ रही है। आज कांग्रेस की वजह से सारा इसकी टिकट है, इसकी वजह से कांग्रेस में लहर है और ये जीतेगा। आने वाला टाइम में चेयरमैन मंत्री भी बढ़ेगा, छोरा भाग्यवान है ये। भाई जी आसी हल्के की सभी जन जन प्रतिनिधियों से, सभी प्यारे भाइयों से कह रहे हैं कि आने वाली 5 तारीख को आप सभी हाथ के निशान पर वोट दें और भाई राहुल मक्कड़ को मजबूत और जिता के भेजें और हरियाणा में सबसे बड़ी जीत बनाए आसी को। और कल के लिए एक और संदेश है कि कल हरियाणा के बहुत ही संघर्षशील और युवा साथी हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी 7 बास में पहुंच रहे हैं। आप सभी साथीगण उनके अच्छे विचार सुनने के लिए 7 बास में पहुंचे। कल शाम को 7 बास में दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं आसी में राहुल मक्कड़ के प्रचार के लिए। बिल्कुल, हर जो हमने यह वीडियो की स्टार्टिंग में कही थी, हर पार्टी जो अपने स्टार प्रचारक थी आसी बुलाने लग रही है, यानी आसी में मुकाबला जो है जबरदस्त देखने को मिल सकता है। आप किसके बारे में क्या राय है खुल के कमेंट करें।